हमने बहुत से महान राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा और सुना है, पर हमारे देश में कुछ ऐसे भी राजा महाराजा थे जिन्होंने बहुत दान पुण्य का काम किया, पर शायद हम उनके बारे में जानते ही नहीं है। उन्हीं में से एक है महाराजा दिग्विजय सिंह जी रंजीत सिंह जी। उन्हें आज भी यूरोप के पोलैंड में गुड महाराजा के नाम से जाना जाता है, और आज मैं उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान 1939 में जर्मनी ने रशिया के साथ मिलकर पोलैंड पर अटैक किया, और वहां से कुछ हजार बच्चों को रशिया के साइबेरिया भेज दिया गया। उन्हें एक ऑर्फनेज में रखा गया और उन्हें एक वक्त का खाना ही दिया गया। उन्हें एक बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। तभी कुछ बच्चे और औरतें वहाँ से सुरक्षित बच निकलने में कामयाब हो गए, परंतु उन्हें हर देश ने शरण देने से मना कर दिया। ऐसे करते करते उनका जहाज भारत के मुंबई पहुँच गया, परंतु वहाँ के ब्रिटिश गवर्नर रॉजर लुमले ने भी उनकी सहायता करने से मना कर दी। तभी गुजरात के नवानगर के महाराज दिग्विजय सिंह जी को उनके बारे में पता चला, और उन्होंने उन पोलिश बच्चों को अपने राज्य में शरण देने का फैसला किया। जैसे ही यह बच्चे और औरतें गुजरात पहुँचे, महाराजा ने उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया और कहा, Do not consider yourself orphans. You are now Navanagaris, and I am Bapu, father of all the people of Navanagar, so also yours. फिर नवानगर में उनके रहने के लिए कैंप सेटअप किया गया। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। उन बच्चों के लिए स्कूल भी बनाया गया और खास पोलैंड से उनके लिए टीचर को भी बुलाया गया। ये लोग 5 साल तक भारत में ही रहे और आखिर वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद पोलैंड पहुंच गए। पोलैंड वापस जाने के बाद भी ये पोलिश लोग भारत और महाराजा को भूल ना सके, और इसी महाराजा के नाम पे इन्होंने पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में एक स्क्वायर का नाम द गुड महाराजा स्क्वायर रखा, और उनके नाम पे एक स्कूल भी चालू किया। इस महाराजा की कहानी का वर्णन करते हुए इंडियन और पोलिश गवर्नमेंट ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया, जिसका नाम अ लिटिल पोलैंड इन इंडिया है। मुझे यह जानकर खेद होता है कि ऐसे महान महाराजा के बारे में हमसे ज्यादा विदेशी जानते हैं, और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं इनके बारे में आप सबको जानकारी देना चाहता था। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।